दोस्तों आज का ये वीडियो मैंगो प्लांट की ग्रोथ को लेकर है। अगर आपने भी गमले में आम का पौधा लगाया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके मैंगो प्लांट की ग्रोथ क्या रुकी हुई है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे कारगर उपाय बताने वाला हूँ जिनको कि फॉलो करके आप मैंगो प्लांट्स की ग्रोथ को तेज कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। और मेरे सभी मैंगो प्लांट अच्छी तरीके से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, हरे भरे हैं, स्वस्थ हैं। और जनवरी में कुछ मैंगो प्लांट में फ्लावर भी आएगा। तो मैं क्या क्या उपाय करता हूँ सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। पानी कब कब देता हूँ। मैं हूँ जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंगो प्लांट के ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं या इंक्रीज करें उस पर बात करूंगा। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने मैंगो प्लांट्स दिखाना चाहूंगा। ये सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं अरोनिका मैंगो का है और सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये दीपावली पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देख सकते हैं ये मेरा अरोनिका मैंगो का प्लांट ग्रोथ कितनी बढ़िया चल रही है। और इस सीजन में लोग कहते हैं कि ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ देखिए चल रही है। यह दूसरा प्लांट मेरा ऑल टाइम का है और मैंने अभी रिपोर्ट किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी अमियाँ बन रही हैं। और ये मेरा जो है कॉटिमोन मैंगो का प्लांट है, डेढ़ वर्ष का प्लांट है और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी अमियाँ ये बन रही हैं। और इसी के बगल में आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये बनाना मैंगो का प्लांट है और आप देख लीजिए ये हाफ गमले में लगा हुआ है और स्टेम भी देखिए धीरे धीरे मोटा हो रहा है और नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। जनवरी में यहाँ पर फ्लावरिंग आएगी। और कुछ प्लांट यहाँ पर देखिए ये हैं, इनकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि मैंगो प्लांट्स में आप लोग क्या क्या गलती करते हो। अक्सर लोग मैंगो प्लांट्स में हर दूसरे दिन तीसरे दिन सर्दियों में पानी देते हैं, इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो गमला है ये आपको ऊपर से ड्राई दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जरा सा इसको हल्का सा मैं डीप एक इंच तक ले जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर देखिए नमी दिखाई दे रही है। तो मैं इस प्लांट में अभी पानी नहीं देने वाला और करीब 3 से 4 दिन में एक बार मैं वाटरिंग करता हूँ। और लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही ऊपर की मिट्टी सूखी और तुरंत पानी दे दिया। अब ओवर वाटरिंग से होता है क्या है कि मैंगो प्लांट्स खराब होने लगते हैं। तो मैंगो प्लांट्स में सर्दियों में कम से कम 4 दिन 5 दिन में एक बार आप वाटरिंग करें और गर्मियों में अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है डेली वाटरिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी के गमले का मैंने प्रयोग किया हुआ है तो इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा था। जैसे कि ये फ्लावर आया हुआ है और फ्लावर अगर आया हुआ है और मैंगो छोटे छोटे बन रहे हैं तो आपको मॉइस्चर बना के रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसमें मैं जैसे ही पानी सूखता है मैं तुरंत वाटरिंग कर देता हूँ ताकि जो छोटे छोटे मैंगो हैं वो ड्रॉप ना हों, क्योंकि अब ये प्लांट 1.5 वर्ष का हो चुका है। तो मैं ये सोच रहा था कि 1-2 मैंगो इसमें लिए जाएं। और यहाँ भी कॉटिमोन मैंगो का मेरा प्लांट है जो कि ऑल टाइम वैरायटी है, देखिए फ्लावर आ रहा है, 12 मासी वैरायटी है। मैंने 12 मासी है, कुछ 1 वर्ष में एक बार फल देने वाले हैं, इस टाइप के प्लांट लगा रखे हैं। यहाँ पर मेरा 12-11 का प्लांट है, हरा भरा है और इसमें एक बार फ्रूटिंग हो चुकी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा आम्रपाली मैंगो का प्लांट है। तो मेरे पास मैंगो के करीब 7-8 प्लांट हैं और सारे प्लांट मैंने आपको दिखाए हरे भरे चल रहे हैं। अब कुछ प्लांट की ग्रोथ आपके यहाँ अगर रुकी होगी तो सबसे पहले अगर आपके प्लांट 3 महीने के हो चुके हैं या 6 महीने के हो चुके हैं, बिल्कुल नया प्लांट नहीं होना चाहिए और उसमें ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले जो उपाय आपको करना चाहिए वो है ह्यूमिक एसिड का। 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड अपने गमले की मिट्टी में और थोड़ा सा चाहें तो स्प्रे भी कर दें और कम से कम 20 दिन का वेट करें। 100% पत्तियां भी निकल आएंगी क्योंकि ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होता है और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, जाके आप विजिट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है, अगर आपने ह्यूमिक एसिड दे दिया और उससे भी नई नई पत्तियाँ नहीं आ रही हैं तो दूसरा उपाय है वो है जिप्सम का। जिप्सम अगर आपको भूमि सुधार वाली मिल जाए, यानी कि मिट्टी के साथ में जो मिक्स जिप्सम आती है वो जिप्सम अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। 50 से 100 ग्राम गमले की मिट्टी में आप दे सकते हैं, 20 दिन वेट करना है जिप्सम देने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियां
मेरे ही तरह नई नई निकलने लगेगी, ग्रोथ नई नई स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने इसमें जिप्सम दिया भी हुआ था और रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए पूरा पौधा घना हो गया है, सिर्फ 20 दिन का ये रिजल्ट है। और मैंने इस प्लांट में भी जिप्सम दे के दिखाया था, देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही, ग्रोथ कहीं भी रुकी हुई नहीं है। तो जिप्सम मैंने आपको बता दिया और दूसरा ह्यूमिक एसिड बता दिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर फिर भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही है और आपके पौधे की पत्तियां झड़ी जा रही हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके पौधे की रूट में फंगस है। तो सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोलकर मिट्टी में देना है और फिर 20 दिन के बाद देना है या 15 दिन के बाद देना है, एक बार दे दीजिए। क्योंकि अगर जड़ में फंगस है तो भी जड़ का विकास अच्छी तरीके से नहीं होता। तो इसका आप वैसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, गमले की मिट्टी में आप कॉपर सल्फेट दे दीजिए, बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको लग रहा है कि कॉपर सल्फेट आपको नहीं मिल पा रहा है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, ऑनलाइन भी आता है और ऐसे भी आपको मिल जाएगा बीज भंडार पर, एग्रीकल्चर शॉप पर, तो वहाँ से आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दे सकते हैं। फंगस की समस्या के कारण भी पौधे की ग्रोथ रुकी रहती है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से प्लांट पर पहले स्प्रे कीजिए, मिट्टी में दीजिए और 15 दिन के बाद फिर रिपीट कर दीजिए। आपका पौधा समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जैसा कि मेरा ये प्लांट है। अब एक प्रॉब्लम और आती है बहुत लोगों के यहाँ, मैंगो प्लांट 1.5 साल 2 साल के हो जाते हैं और वो लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा मैंगो प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ऑल टाइम का है, 1.5 वर्ष से लगा हुआ था और मुझे ये पता चल चुका था कि जो ये प्लांट है ये पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है। अगर रूट बाउंड नीचे प्लांट हो गया है तो जाहिर सी बात है उसकी जड़ें रूट बाउंड होकर सड़ने लगती हैं और फिर ऐसी स्थिति में ना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम करता है और ना ही ह्यूमिक एसिड काम करता है। जड़ों का विकास कहाँ से होगा जब इसमें फैलने के लिए जगह ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिवाय रिपोर्टिंग के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा है तो 12-14 में शिफ्ट कर लीजिए, अगर 14 में लगा है तो 16 में शिफ्ट कर लीजिए और कोशिश करिए कि नई मिट्टी और ट्राइकोडर्मा और गोबर की खाद ये सब मिलाकर प्लांट का प्लांटेशन कर दीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपका पौधा चलेगा, जैसा कि मैंने आपको रिपोर्टिंग करके भी दिखाया था। तो इस टाइप से आप देख लीजिए प्लांट की ग्रोथ कितनी बढ़िया चल रही है और यहाँ पर छोटी छोटी अमियाँ भी लग रही हैं। अगर आपके यहाँ भी इस वक्त ऑल टाइम के मैंगो में छोटी छोटी अमियाँ लग रही हैं और फल आप रोकना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस बार फल को रोकना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर 1 ग्राम बोरोन का स्प्रे करूँगा। अगर फल को रोकना है तो जमीन में लगे पौधे की बात और होती है, वहाँ भी किसान लोग बोरोन का या फिर प्लेनोफिक्स का स्प्रे करते हैं। 5 बूंद प्लेनोफिक्स 1 लीटर पानी में घोलकर आप गमले में जो इस टाइप के फ्लावर आए हुए हैं उस पर स्प्रे कर सकते हैं या फिर 1 ग्राम बोरोन का आप स्प्रे कर दीजिए, फ्रूट 100% रुक जाएगा। और मैंगो प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइजर फिलहाल नहीं देना चाहिए, साल में एक बार आप अच्छे से फर्टिलाइजर दे दीजिए, बार बार फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने फर्टिलाइजर पर काफ़ी वीडियो भी बताए हैं, गोबर की खाद है, कैल्शियम नाइट्रेट है, यही सब फर्टिलाइजर आम के पौधे को दिया जाता है और नीम खली आम के पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो नीम खली का प्रयोग ना करें, सरसों की खली का प्रयोग ना करें और गोबर की खाद का जब भी आप प्रयोग करें तो ट्राइकोडर्मा मिक्स करके 7 दिन के लिए रख लें। तो गोबर की खाद, कैल्शियम पाउडर, कैल्शियम के लिए आपको तरह तरह के उपाय हैं, बोन डस्ट, हॉर्न डस्ट, और इसके अलावा कैल्शियम पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं जो लोग नॉनवेज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कैल्शियम की पूर्ति आपको करनी होगी। और वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, अगर आपको गोबर की खाद 1 किलो देनी है तो वर्मी कंपोस्ट 0.5 किलो दे सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर आम के पौधे को नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देंगे तो भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देंगे तो भी दिक्कत है क्योंकि पौधा एक बच्चे के समान होता है और जब धीरे धीरे पौधा बड़ा हो जाता है, जैसे ये गमले में लगा हुआ है तो 3 साल के बाद इसे जो नीला वाला प्लास्टिक का कंटेनर आता है हाफ वाला, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में ही आप बड़े बड़े ड्रम्स में आम का पौधा लगा देंगे तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले गलती की है, प्लास्टिक के गमले में मैंने लगाया था और सक्सेस नहीं हुआ, और जब से मैंने इसमें लगाया हुआ है मिट्टी के पॉट में मेरा एक भी पौधा खराब नहीं हुआ और सही तरीके से चल रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आम के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाएं, बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंगो प्लांट की ग्रोथ को लेकर मैंने
कुछ बातें बताई। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।